स्वागत है, आप देख रहे हैं बिजनेस मॉर्निंग और अब वक्त चला है इकॉनमी टुडे का। इकॉनमी टुडे आप यानी आपकी जिंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा नया कार्यक्रम सीधे आपसे जुड़ते हो। और आज का मुद्दा है बजट और रियल स्टेट सेक्टर। इस कार्यक्रम का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं बहुत ही आसान है, ट्विटर के जरिए सवाल कीजिए, हैशटैग इकॉनमी का इस्तेमाल इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए, अपना सवाल कर सकते हैं। याद रखिए कि आज का सवाल रियल स्टेट सेक्टर से जुड़ा होना चाहिए, यानी बजट के बाद क्या कुछ असर पड़ा है इस सेक्टर पर। और सवाल भेजने के लिए जीमेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इकॉनमी टुडे .ddnews@gmail.com का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियल स्टेट एक्सपर्ट हरमीत चावला जी। बहुत बहुत शुक्रिया हरमीत जी इस कार्यक्रम वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम इकॉनमी टुडे की। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करूँ, आपके सवाल जवाब लें, जो ताज़ा खबर है इस सेक्टर से जुड़ी हुई वो आपको बता दें। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्य सरकारों से आगामी 30 अप्रैल तक रियल स्टेट अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। अभी तक केवल 4 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस रियल स्टेट नियमों को अधिसूचित किया है। 9 फरवरी 2017 को सभी राज्यों को मुख्यमंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा और जोर देकर कहा कि रियल स्टेट अधिनियम इस क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है और इसके सभी हितधारकों को लाभ पहुंचेगा और इसीलिए इस पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी है ताकि अधिनियम का कार्यान्वयन और सही समय पर सही प्रकार से हो सके। तो चावला जी चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और आपसे समझते हैं कि बजट को लेकर के जो उम्मीदें थी आप लोगों की, कितना खुश हुए आप या फिर कितना निराशा हुई इसको लेकर, दोनों ही पक्षों पर आप बात कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो हमें एक डिमार्केशन करनी है कि गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस रहा है पिछले 2 साल से वो हाउसिंग और अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल पे रहा है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा गैम्बिट है जिसमें कमर्शियल है, रिटेल है, हाउसिंग है, हाउसिंग में बड़े सारे वर्ग आते हैं, सेगमेंट्स आते हैं। तो अगर हम रियल एस्टेट बोलेंगे तो फिर बहुत बड़ा एक वो ले लेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें कि जो गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग है और मार्केट की क्या अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को लेकर, तो हाउसिंग फॉर ऑल का तो एक या जो अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उसकी तरफ देर पूरा फोकस दिखता फोकस है, काम है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो फाइनेंशियल साइड पे हो, चाहे वो पॉलिसी मैटर्स के साइड पे हो। जहाँ हमारा मैटर आ जाता है जो हम एज अ इंडस्ट्री देखते हैं, एज अ मैंने से इंडस्ट्री जो ऑपरेटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं उसमें, तो उनके लिए बारिंग गवर्नमेंट का कि भाई अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमने पॉलिसी फ्रेमवर्क्स बना दिए, हमने सब कर दिया, बट यहाँ इनिशिएटिव सारा अब आपने लेना है। आपने हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा भी दे दिया जिससे आने वाले टाइम पे आपका जो फंडिंग है, फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स, फंडिंग की मूवमेंट, फंडिंग का जो एक इंटरेस्ट बेस है उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो लेंडिंग वो हो गई, बट जो धंधा है वो तो इवेंचुअली उन लोगों ने चलाना है और उस पॉलिसी को कैसे बेस्ट तरीके से वो एडवांटेज ले सकते हैं वो देखना आगे। जी Mr. Chawla, when before the budget as well, you know, the experts have actually made certain recommendations to the finance minister with respect to the tax incentives, because real estate has got this burden of, you know, more tax like VAT and many indirect taxes. They wanted some clear, you know, clarity on GST as well. But then GST, we know it's taking a couple of months again time. But then do you really think the budget has apparently addressed at least certain issues with respect to the taxation in the real estate at this moment? I don't think so. As you rightly pointed out, since GST is anyway on the anvil, you know, this year. True. Any kind of tinkering on that doesn't make any logical sense. Once the GST kicks in, whatever the rationalization of rates are in GST or towards that, that is, I think, where the paradigm starts. Just doing something for 3 months or 4 months or, you know, kind of tinkering with those indirect taxes doesn't make any sense. Okay. So I really don't think there is any major impact on that, barring the fact that they have allowed the capital gain tax to come down from 3 to 2 years, which benefits the investors because your holding period kicks in the second year. Yes. So considering anyway the market today, if people were to go out and, you know, do their selling of their asset after holding 2 years, it is not necessary that the, you know, the asset would sell out in a month. It could take a year, it could take a year and a half, but your advantage of indexation, inflation all kicks in.
at the second year. So that's a plus point. Absolutely. Yeah. And Mr. Chawla, let's make it even more clear. There are two important aspects. One, this capital tax gains, reducing it to 2 years. How would it impact the consumer is something which apparently the people even want to know. Apart from that, also this infrastructure status to the affordable housing, what does it actually mean is something which people want to know. If you can give some clarity on both these issues. See, as I said, let me take the infrastructure status first. The fact that the infrastructure status has been given is an endeavor on the part of the government to institutionalize it, yes, take it in the right perspective, take it in the right direction, so that more new participants, finance companies and people who are sitting on the fringes can be part of this. Mm-hmm. Because with the vision that the government has, you have to increase the arena of participants within this game. It can't be restricted to people who are already there. They have their plus and minuses in terms of where they stand. So it has to be more participative of the audience that can look at that business model. So how is it beneficial to the end customer? The beneficial rise over a period of time, because you have far more players coming in. You will have more structured way of doing this business. So I see that as a plus point. Mm-hmm. I've already mentioned to you that the finance part and all will probably get more structured up. True. So one is that. Coming to the second point in terms of the capital tax, how does it benefit the customer? Mm-hmm. Since the delivery of your asset, mm-hmm, you had to hold on for a period of 3 years before the capital, yes, you could take the advantages. Now, the holding period has been brought down to 2 years, mm-hmm, right? Now, the indexation has also been taken up from 1981 to 2001, so you are in a position to get a better value in terms of where the market value of the asset stands, mm-hmm, plus the inflation. So your taxation liability on your capital gain comes down drastically. True. That is a big advantage to the customer. Absolutely. अगर real estate की बात करें तो सबसे बड़ा ये उम्मीद है कि आप जो घर हैं वो सस्ते होंगे और जो हमारे जो लोन है वो भी होम लोन एक तरह से सस्ता होगा. तो अब कितना वक्त लगेगा जब अगर कोई इंतज़ार कर रहा है नए घर को खरीदने के लिए तो वो कहाँ पे जाए और क्या इस बजट में कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग के डेफिनेशन को लेकर के किया गया है? देखिए तीन क्वेश्चन आपने पूछे, एक सब क्वेश्चन है. जी जी. पहला, अगर हम इंटरेस्ट रेट ले लें, इंटरेस्ट रेट आरबीआई धीरे धीरे नीचे ला रही है और जो डायरेक्शन इकोनॉमी की है, अब लोग चाहेंगे कि भाई 200 बेस पॉइंट कल सुबह गिर जाए, आज सुबह गिर गए होते तो ऐसा तो गवर्नमेंट ऐसे कर नहीं सकते ना. आपने इकोनॉमी को पूरा देखना, सिर्फ रियल एस्टेट को नहीं देखना. तो नजरिया पूरा ये है कि इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 18-24 मंथ्स कम ही आएंगे. उसके बाद एक फैक्टर आ जाता है कि आरबीआई ने कम कर दिया. आरबीआई ने कम करने के बाद बैंक्स उसको एज अ बिजनेस मॉडल कितना आगे पास ऑन करते हैं, वो बैंक का नजरिया है. बिल्कुल. हाँ, कुछ बैंक कर रहे हैं, कुछ बैंक वो कर रहे हैं. गवर्नमेंट ने अपने एंड पे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सबवेंशन क्रिएट कर दिए हैं, सो वहां पर उनको बेनिफिट मिल ही गया. अब पॉइंट रह गया घर के प्राइसिंग का. जी. घर की प्राइसिंग में ना तो आरबीआई का कोई रोल है, ना बैंक का कोई रोल है, ना गवर्नमेंट का कोई रोल है. ठीक है, ये डिमांड एंड सप्लाई और बिजनेस प्रमोटर की अपनी बिजनेस चलाने की एबिलिटी कि किस प्राइस पे उसने बेचना है. अगर हम देखें तो जो पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी थे, वो 2.5 साल से बोलते रहे जी टाइम आ गया कि स्टॉक बेचें, सस्ते करें घर और आगे निकलें. बट वो बात मेरे ख्याल से लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है. तो वो समझाने का तो कोई भी मेरे ख्याल से टोटका या मेडिसिन किसी के पास कुछ नहीं है. वो प्रमोटर के अपने ही दिमाग में है कि प्राइस कम करना है, कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो धंधे चलाने की एबिलिटी हो गई. रह गया जो तीसरा पॉइंट, वो आपका क्या था तीसरा पॉइंट? होम लोन सस्ते होंगे या नहीं. होम लोन तो मैंने आपको बोल दिया कि ये फैक्टर इन, तो चलिए अब चल गए घर सस्ते होने ही होम लोन. जो ट्वीट्स हैं अगर उन पे निगाह डालें तो बलराम त्रिपाठी जी जानना चाह रहे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने लिखा, रियल एस्टेट सेक्टर इज फुल ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, आफ्टर दिस बजट इज इट पॉसिबल दैट दिस विल बी स्टॉप्ड? ये क्वेश्चन का आंसर मैं भी उतना ही देता हूँ कि जो ये कह रहे हैं वो 100% ठीक है. बिल्कुल, इट इज फुल ऑफ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. बड़े सारे इसमें अभी भी हैं लोग जो नहीं करना चाहते, तो मैं उनको उनके लिए साइड कर देता हूँ. बट यस, प्रेडोमिनेंटली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज. बजट में आपको ना एक नजरिया दिया गया है, या पॉलिसीज या रेरा अगर हम देखें कि भाई इस तरीके से धंधा चलना है. अब जिसने फ्रॉडुलेंट करना है, वो रेरा या नो रेरा, उसने फ्रॉडुलेंट करना ही करना है. बिल्कुल. वो पॉइंट होता है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. लॉ अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है जो वो हम देखेंगे. जब रेरा एक बार पूरा अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाए, आप स्टोरी रन कर रही हैं कि वेंकैया जी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई इसको किसी तरह करिए, इम्प्लीमेंट कीजिए रेरा को.
तो अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करेंगे रेरा, कैसे आगे बढ़ेगा? मान लीजिए 3 महीने में किसी स्टेट में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी रियल स्टेट डेवलपर्स के लिए और जो जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए? देखिए जी, पॉलिसी जैसे हम जानते हैं, पॉलिसी का बनाना सेंटर का काम है, पॉलिसी मेकिंग करना है। रियल एस्टेट लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, उसको इन प्रिंसिपल कैसे इंप्लीमेंट करना, ये इवेंचुअली स्टेट के ऊपर आ जाता है, ये सेंटर की वो नहीं है। सेंटर सिर्फ जैसे आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं वैसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो हम ये बात भी सुन रहे हैं कि बड़ी जगह रेरा का डाइल्यूजन हो रहा है। अच्छा, वो मतलब नियमों को चेंज कर सकते हैं स्टेट उनके ऊपर है? बिल्कुल कर सकते हैं, एज़ आई सेड क्लैरिटी ज़रूरी है। हाँ, तो इन प्रिंसिपल अगर आप उसको कर रहे हैं या आप उसको आपको लगता है स्टेट लेवल पे कि इसको और फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है तो दे कैन ब्रिंग दोज अमेंडमेंट्स, बट एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंटेशन, उसकी मैनेजमेंट और उसकी कंपैटिबिलिटी विद योर लोकल बायलॉज, वो स्टेट का, लोकल बॉडी और लोकल अथॉरिटी का काम है, वो जिम्मेदारी सेंटर की नहीं है। Well, Mr. Jawal, let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back with the discussion and also certain questions we're getting on our social networking handles. We'll look into those questions as well. Stay tuned. Don't go anywhere. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world ranks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy Today. We have Mr. Harmeet Chawla with us to answer the questions on the real estate and also the budget announcements. What impact will it have on the real estate sector? Mr. Chawla, we are getting questions on our Twitter handle. Let's take another question on Twitter handle. The question he asks, Rishi, he asks is, what are the provisions kept in budget for implementation of affordable housing in village areas? So if you see, as per the Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana, or if we go through the Yojana, the bent of the entire Yojana is towards the rural. True, absolutely. Yeah. So one is rural. Secondly, the entire focus is on EWS, LIG. There is predominance given to the scheduled caste, scheduled tribe. Then the entire idea is to benefit the women also. Mm-hmm. There are provisions even within that the ground floor has to be earmarked for, people who are disabled. So there are a lot of things. So I would say 50% of the entire Yojana is actually rural driven. Absolutely. And even if we look at the entire budget, the whole idea of this budget was, since last year's budget, was to kick in the flow of money towards the rural investment and everything. So I personally feel that, you know, with the Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana and the Awas Yojana, you will have a lot of money flowing into the rural area. You have a lot of monies which are going in through other, through it be the NABARD, through the agriculture route, through the irrigation route. Mm-hmm. All this will start consumer. You're actually empowering the rural sector in terms of consumption and the money in hand with them. True. And then we have another question as well. And the question is by Anand Kumar on Twitter handle itself. He asks, does the Real Estate Act help curb the property held by people illegally? No, for that the act which has been put in is the Benami Property Act. Yeah. So RERA is only a regulator in terms of or a body where, you know, the points have been mentioned in terms of how business has to be run. It has nothing to do with the
बेनामी संपत्ति और यू नो इल-गॉटन एसेट्स थ्रू इल-गॉटन मनी। अरविंद जी, जो बजट में एक जो बजट स्पीच है उसमें वित्त मंत्री ने जिक्र किया अफोर्डेबल हाउसिंग का, उन्होंने कहा कि जो मेट्रो में 30 मीटर पहले बिल्डअप एरिया था अब उसको कार्पेट एरिया कर दिया गया है, इसी तरह से नॉन मेट्रो में 60 स्क्वायर मीटर को बिल्डअप की जगह कार्पेट किया गया। इसका क्या मतलब, म्युनिसिपल एरिया के बाहर, हाँ इसका फर्क क्या पड़ेगा और क्या मतलब है इसका? ये सिर्फ ये है कि पहले जो बिल्टअप एरिया था उसको आपने कार्पेट पे कर दिया, तो कारपेट और बिल्टअप का फर्क क्या है कि कारपेट जो आपका बिल्कुल यूजेबल फ्लोर एरिया होता है, बिल्टअप एरिया जिसमें आपकी वॉल्स आ गई, तो उसको भी डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉडन करके उन्होंने उस चीज को कारपेट पे ले आए। तो कारपेट पे जब आप ले आएंगे तो ऑब्वियसली वो घर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, बिकॉज अब पहले 30 स्क्वायर मीटर की आप बात कर रहे थे बिल्टअप की, आप 30 स्क्वायर मीटर की बात आप कर रहे हैं कारपेट की, तो वो फर्क हो गया। तो वो सिर्फ उन्होंने टर्मिनोलॉजीज को चेंज कर दिया। अगर हम कहते हैं कि 30 स्क्वायर मीटर सुपर एरिया है, तो फिर तो आपने कारपेट एरिया कम कर देना था बिल्डरों ने और सुपर एरिया लोड कर दे बोलते थे, हो गया तो वो तो हवा की जगह हो गई। तो ये कारपेट इज दी एक्चुअल यूजेबल एरिया। अच्छा, और एक सवाल ये भी आ रहा है कि जहाँ पर रेरा जब तक नहीं आता है कि जिन स्टेट्स में, उन स्टेट्स में अभी किन लॉज के तहत जो रियल स्टेट है वो रेगुलेट हो रहा है, और क्या एज ए सेक्टर ये अंडर रेगुलेटेड है, ओवर रेगुलेटेड है, या इसका रेगुलेशन की स्थिति क्या है? देखिए, ये पहली बात तो ना अंडर है ना ओवर है। अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश पकड़ लें, नोएडा पकड़ लें, आप हरियाणा पकड़ लें, तो वहाँ क्लियरली आपकी लॉज बड़े क्लियर हैं कि ये ऐसे लाइसेंस मिलेगा, ये आपके बाय लॉज हैं, ये तो वो तो ऑलरेडी चीज़ें हैं, इधर भी हैं और उधर भी, उनकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। और आपके पास कोई एक ये इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज थी, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज थी, रेप्रमांडिंग बॉडीज नहीं थी। रेप्रमांडेशन जो हो सकता था वो एक सिविल लेवल पर हो सकता था कि भाई मैं आपकी बिल्डिंग ये प्रोजेक्ट को सील कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो चीज़ें आज भी हैं, पहले भी थी। रेरा के आने से सिर्फ ये हो जाएगा कि अब कंज्यूमर के लिए जाने के लिए एक सिंगल विंडो हो गई कि अगर मेरे लिए प्रॉब्लम है या ये चीज़ें हैं, कंसिडरिंग कि ऑलरेडी रेरा में ये प्रोविजन भी ऑलरेडी हुआ है कि अगर आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो प्रोजेक्ट रेरा में एक बाय एंड लार्ज जो पॉलिसीज बनाई हुई हैं आप अप्रूव्ड करा के ला रहे हैं, उसके बाद भी अगर उसमें कोई फ्रॉडुलेशन आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, सो आपको पता है कि रेरा, और आपने वो बेसिकली वो बना दिया है, आपने पॉइंट्स बना दिए कि इस तरीके से धंधा चलना है, तो बायलॉस तो ऑलरेडी हैं। ओके, सर्विस टैक्स को लेकर के इस बजट में आपको क्या दिखाई दिया, और कैपिटल गेंस को लेकर जो टैक्स रिलीफ मिली है उसका भी कुछ असर पड़ेगा, वो थोड़ा सा चीज़ें तो कॉम्प्लेक्स हैं। कैपिटल गेन का जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो कैपिटल गेंस है वो 3-2 कर दिया, तो उसका कंज्यूमर को बेनिफिट है। हाँ, इसका कहीं स्पिन ऑफ लोग बहुत सारे लोग मैंने देखा टीवी पे आगे ले रहे हैं कि जी अभी ये ना पैसा वापस आ जाएगा जल्दी मार्केट में, ऐसा नहीं है। तो अरुण जेटली जी ने अपनी तरफ से कैपिटल बॉन्ड्स का भी एक और निकाल दिया कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने कैपिटल टैक्स बचाया या आपको जो सामान बेचने के बाद रियल एस्टेट बेचने का पैसा मिला वो ज़रूरी नहीं है कि वो वापस रियल एस्टेट में जाए, वो बॉन्ड्स में और इक्विटीज़ में भी जा सकता है। जहाँ तक रह गई सर्विस टैक्स की, एज आई सेड इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं वो आई थिंक बेस्ट हम टच करें जब एक बार GST किक इन कर जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें अभी बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए हैं, वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी जब आप GST लाते हैं। बट क्या रियल स्टेट GST का पार्ट है, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी तो उसका पार्ट नहीं है क्या? रियल स्टेट एज ए सेक्टर, हालांकि ये कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि रियल स्टेट को आप पार्ट बनाइए स्टैंप ड्यूटी को, और उसमें बट वो एक मुद्दा रहा है। ओके, और उस पर कैसे क्लैरिटी आएगी उस पर भी नहीं है। तो इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन चाहती क्या है, क्या वो चाहती है कि भाई, हाँ वो चाहते हैं कि भाई एक पूरा कॉम्पोजिट एक टैक्स हो जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं, ये भी उसमें आ जाएं, बट मुझे लगता नहीं है क्योंकि एज ए अगेन सेड लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टैम्प ड्यूटीज और ये लैंड के ऊपर हैं, तो कितना स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ को अपने पॉइंट से छोड़ने को तैयार होगी वो एक डिबेटेबल चीज़ है। Mr. Chawla, now, how are you looking at the advantages for the developers apart from the capital tax gains from this budget? Because, you know what, apart from that, in fact, developers have been demanding for many other things as well for quite a time. Most importantly, the industry status for the real estate so that they can get some benefits. Do you really think things would be addressed? Because from the budget, how do you think developers will be happy with that? See, I've always in the last 4-5 years taken a point of view where, you know, I have walked the very middle path, so I've not been an advocate for either the builders, though you know I belong to the industry. For me, the whole point that we are discussing today, whether the fact that has something happened from the government's end towards this part of the business, the answer is no. Yeah, we can take heart that the infrastructure status has been given to the affordable housing, but really preciously doesn't impact the ongoing business of the real estate developers. The demand for industry has been long pending for
I don't know when. Why is it not been coming? So that's something we need to ponder. The question is, have we, despite not being given the industry status, acted in the conscious and the most approachable, logical way to even ask for that status? Mm-hmm. You know, if we're talking RERA today, mm-hmm. we are saying fraudulent, you know, like a true gentleman just said. Mm-hmm. So the way that the industry, the people are seen is in such a negative way. Does it really merit giving them the industry status? Do you think by giving an industry status, all the ills will be gone? True. The answer is no. So you as, or we as an industry body, has to first come out, show that maturity, show that leverage that we deserve that kind of a recognition and applaud. Otherwise, I don't think the government will do it. True. Mm-hmm. True. एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी अफोर्डेबिलिटी लाने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, चूंकि अब FIPB नहीं रहेगा, एबॉलिश कर दिया जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर आप फॉरेन फंड्स लाना चाहते हैं. ECBs को एक तरह से अलाउ किया गया था कुछ साल पहले बजट में, उसका क्या स्टेटस है? फिर थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं. सर देखिए, हम बार बार जब अफोर्डेबल हाउसिंग है उसकी बात करते हैं, हम बार बार अपनी चीज़ पूरी बात को ला के फाइनेंसिंग स्टेटस और इस पर ला कर रख देते हैं. आप हमें ये बताएं, अगर हम धंधे को देखें तो डिमांड भी देखना है, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी देखनी है, आपने डिलीवरी भी देखनी है. उस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं होती जी, वो बार बार पैसों के ऊपर की बात होती है. जेनरम नहीं था पहले, क्या पिछली सरकार ने पैसे अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ नहीं डाले हुए थे? ये सिर्फ इस बार है कि क्वांटम ऑफ लीप बढ़ गया. माइक्रो मैनेजमेंट सरकार ने इस बार ज़्यादा अच्छी कर ली कि भाई ये पॉलिसीज हैं, ये हैं. सो देयर इज अ फार मोर सस्टेन फोकस. सो उस टाइम पे कौन सा लोग उठ के आ गए घर बनाने के लिए अफोर्डेबल? आज अगर हम, आज बार बार बात हो रही है कि जी अफोर्डेबल, हाँ जी दिस इज द न्यू सेगमेंट, दिस इज द एरिया दैट वी नीड टू बी इन. ये तो बाय डिफॉल्ट इसलिए हो गया क्योंकि बाकी धंधा नहीं चला पा रहे आप, बाकी सेगमेंट्स को आप केटर नहीं कर पा रहे, बाकी सेगमेंट्स में इतनी प्रॉब्लम है हाउसिंग की कि आपको अब लग रहा है कि भाई मैं इसमें और जंजाल में ना घुसूं, यहां से भाग के मैं ये कर लेता हूं जी. सो ये तो एग्जिट रूट बिजनेस हो गया. तो गवर्नमेंट का अफोर्डेबल की तरफ तो आज नहीं, 10 साल से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एज आपने बिल्कुल बोला, ECBs हो गए थे, सब हो गया, उसका क्या बेनिफिट मिला है? तो पॉइंट क्या है कि मैं, हम लोग ला के एक चीज़ फाइनेंसिंग की ECB एक जगह पे रख देते हैं, अगर आप में वो हुनर नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है उस पर एडवांटेज लेने का, उसमें सरकार कुछ भी नहीं कर सकती. राइट. पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, पॉलिसी को बेस्ट यूज करना वो बिजनेसमैन का काम है. राइट. वेल मिस्टर चालो, वी आर गेटिंग इन अनदर फ्यू अदर क्वेश्चंस एज वेल ऑन ट्विटर. दिव्येश गोहल, ही आस्क्स, इफ आई एम अ डेवलपर और अ बिल्डर एंड वांट टू गेट दिस प्रोजेक्ट ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, देन हाउ टू अप्लाई फॉर दैट? वेल, ही हैज टू, वेयर एवर इन स्टेट दैट ही इज इन, सिटी ही इज, ही हैज टू गो व्हाट एंड ही हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर इज द प्रेजेंट policy of the state government. Are there projects? Go to that concerned department and take all the information and go true and do it. True. And then another question, Anand Kumar, I think is the second question. He was talking about Real Estate Act earlier. He says, is the land measurement unit used in different state will be the same after this act? Well, see, that's this is a very interesting question that he's asked. Across India, the measurement models are very different. Absolutely. Somewhere it is square foot, somewhere it is square meter, somewhere it is, as they square say, biga, square yards, square yards. And bigas also differ in terms of the measurement. So, one endeavor which the center has already started, and they've also within the budget put aside a certain amount of money, is the digitization of the land records. Right. Now, since the digitization is happening, how much of the you know, are we going towards homogeneity of the measurement is also important, because I personally feel there should be homogeneity across India. Right. I probably at this level will not be the best guy to answer that, because that is something I think the state, the center, and everyone has to take, because it's a very complicated issue. True. Well, we'll be taking one final question before we wind up. This is by Priyanka Raj. This her question is, what will propel under construction projects after budget 2017 further benefiting buyers? Under construction. Yes. Is will it from this propel? Will this propel under construction? What will will propel further? As I said, there is nothing barring, you know, the fact that the promoter has to get up and say, listen, I need to finish and salvage my reputation.
what benefit and why would the government give any benefit to the developer? I mean, I really don't see to understand that. Yes, there are benefits in terms of for the buyers, actually, from the buyer side, which is owning the first house. So you have subventions, you have slew of things that if your house rate is this, your home loan rate is below this, there is a subvention, there is a indirect subsidy on that, which the government is giving. So there are a lot of financial benefits which the government is giving out to the doling out to the customer who is a first time buyer, mm-hmm. both in terms of tax saving instruments, also in terms of the financing cost which is coming. So that those are the benefits. How do you link it to under construction is then a play again which comes with the developer's part. हरमी चालो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के सवाल लेने के लिए, उनका जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या कुछ असर था या फिर हो सकता है बजट के बाद, उसको हमने एनालिसिस करने की कोशिश की. फिलहाल इकॉनमी टुडे का आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही. कल के प्रोग्राम में एक नए अंक के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ आपसे फिर हाजिर होंगे. लेकिन सोशल मीडिया यानी #economytoday को ट्रैक करना मत भूलिए. फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी वेंकट को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.